Good morning, all students. पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में, वही कार्यपालिका कुछ और विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। कार्यपालिका पर, कार्यपालिका किसी भी शासन व्यवस्था में इसके तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका क्या है, वही तीनों अंगों में एक अंग है कार्यपालिका। इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, वही महान्यायवादी और अधिकारी वर्ग जो आगे से रहते अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी जो होते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वो विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार कैसे है। जैसे भारत में बात करें, भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधान, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर बात करें औपचारिक रूप से होता है राष्ट्रपति, यानी औपचारिक रूप से प्रधान होता है राष्ट्रपति। लेकिन फिर भी पूरी जो वास्तविकता दी गई है प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी कहीं कहीं राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां होती है, अपने आप में राष्ट्रपति का नहीं होता है, वो शक्तियां होती है विशेष अधिकार की, जो अधिकार को दिए गए इसकी पद के गरिमा के आधार पर। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यानी मंत्रिपरिषद होता है जो भी ये कार्य करेगा इसकी जानकारी यानी इसके पास पहुंची है, इसके पास पहुंची है राष्ट्रपति के पास, और ये जानकारी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के पास द्वारा दी जाएगी, यानी मंत्रिपरिषद देगा प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को, यानी पूरी अपने जो कार्य प्रणाली है शासन संबंधी वो पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है, और ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है उसके पास। वही प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा की मांगी गई जो सूचनाएं उसे दे, क्योंकि मंत्रिमंडल देता है प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रहता है प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर भी अपने विचार व्यक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा जो भी है बात है देश संबंधी उस समस्या के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है कि उन समस्याओं का निवारण किया जाए। वहीं जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह कोई भी बात के लिए, यानी इनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट दी गई है कार्य जो शासन संबंधी कोई भी कार्य की रिपोर्ट दी गई है राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानून के रूप में कुछ कमियां हैं, तो वो अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए फैसला देश के हित में नहीं है, यानी देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से कुछ कम तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, यानी इनकी कमियों को दूर किया जाए देश के हित को ध्यान में रखते हुए। तो इसकी इस बात को यानी एक तरह से वो उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उनमें सुधार करते हुए वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, लेकिन दोबारे उसे यानी पुनर्विचार के तौर पर यानी उन पर यानी मान्य करना ही होता है, यानी राष्ट्रपति को उन बातों को मानना ही होता है। अतः यह तरीका जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, यानी अपने विवेक के आधार पर ही शक्तियों का प्रयोग करता है विशेष अधिकार का, वही दूसरी ओर राष्ट्रपति के पास में वीटो की शक्ति
विशेषाधिकार होती है, वह जिससे वह यानी तो किसे कहते हैं यानी उस शक्ति का प्रयोग स्वयं वह ही कर सकता है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं कर सकता, जिसमें वह संसद द्वारा पारित जो विधेयक है, संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं यानी संसद के द्वारा जो विधेयक पारित होंगे, इन विधेयकों के लिए भी अपनी बातों को मनवाते हो गए पुनर्विचार के लिए द्वारा दे सकता है मंत्री का परिषद के बाद बस केवल धन विधेयकों को छोड़ इनको धन विधेयकों को छोड़कर सभी जो विधेयक हैं इनके लिए पुनर्विचार के लिए द्वारा मंत्री का परिषद के बाद दे सकता है। अगर इन्होंने कुछ समय उसमें सुधार करके द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा तो इनको राष्ट्रपति को बातों को मान्य नहीं करना पड़ता है, विधेयकों को मान्य नहीं करना पड़ता है। वही जिससे वह संसद में पारित विधेयक होकर धन विधेयकों को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। यह अधिकार इसे ही कहते हैं पावर, यानी उन अधिकार वो चीज में विधेयकों को लंबित भी कर सकता है, ज्यादा समय भी ले सकता है और यह स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना आवश्यक है, राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, लेकिन दोबारा अगर इसके लिए मंत्री परिषद तो इसको इसके लिए मान्य करना ही पड़ता है, राष्ट्रपति को करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई सीमा समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि इतने समय में उसको यानी इस विधेयक पर यानी अपना फैसला सुनाना है, अपनी स्वीकृति देनी है। वही एक घटना घटित हुई 1986 में, जिसमें संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस ये संशोधन विधेयक लाया गया, ये संशोधन विधेयक लाया गया, ये पारित किया गया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक जो था प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित था, यानी जो भी भारतीय पोस्ट ऑफिस से संशोधन जो लाया गया इसमें क्या होता था, यानी जो प्रेस थी उसको यानी बंदिश कर रहा था, बाधित कर रहा था, वो अपने आप में स्वतंत्र होनी चाहिए, लोकतंत्र का शासन होना था, क्योंकि जनता उसमें जनता की आवाज होती है प्रेस की, जो अखबार वगैरह उसमें प्रेस करते थे। तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जलसिंह यानी उस समय के दौरान राष्ट्रपति थे यानी जलसिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन यानी अपने जो राष्ट्रपति चुने गए वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया और अब तक वह सरकार बदल गई थी और नई नवीनतम सरकार बनी जिसमें दलों की गठबंधन की सरकार थी, एक दलीय नहीं थी, कई गठबंधन की सरकार थी। आज भी देखने को मिलता है यानी बहुत सारे दलों के द्वारा सरकारें एक सरकार अपना सरकार नहीं बनती, एक जो दल होता है वो अपनी सरकार नहीं बना पाती है, इसलिए बहुत सारी दलों को शामिल करके सरकार बनाई जाती है, उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। उसने एक विधेयक को दोबारा संसद में पेश नहीं किया और इस प्रकार जयसिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक कारण यह हुआ कि विधेयक कानून नहीं बन पाया। जब तक कोई विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा उसको कानून मान्यता नहीं दी जाएगी। वहीं राष्ट्रपति को और अनौपचारिक रूप से अपने वीडियो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है और इसे कई बार पॉकेट वीडियो भी कहते हैं, जैसे ज्ञान जयसिंह ने किया था, यानी अपने पास में रखा रहा ये भारतीय पोस्ट ऑफिस का जो संशोधन विधेयक है इसमें कोई अपनी यानी राय दें कार्यकाल। वही तीसरा प्रकार विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है, यानी जो जैसे
कारण पैदा होता है। जैसे इससे क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया गठबंधन, जब कोई भी दल सरकार बनाने के लिए समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को यानी सरकार बनाने के लिए मौका दे सकता है, यानी उसको स्वीकृति दे सकता है। ये एक तरह से अपने आप में यानी एक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। या कोई भी पार्टी जब बहुमत में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में यानी ये अपने आप में यानी ऐसे राष्ट्रपति को यानी चुन सकता है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो, ऐसी स्थिति में गठबंधन बनाने के प्रयास के बाद भी दो या तीन नेता या दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि वह प्रधानमंत्री नियुक्त करें अपने विवेक के अनुसार, और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करने का निर्णय लेना होता है। जैसे 1889 के बाद प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन के कारण बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो अपने विवेक के अनुसार ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी पार्टी यानी कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा है, ऐसी स्थिति में ये अपने विवेक के द्वारा यानी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री यानी किसी भी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, चुन सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें, जैसे धारण के तौर पर 1970 के बाद भारत की बड़ी राजनीति में प्रतिस्पर्धा यानी एक मूर्ति बन गई और ऐसे भी अनेक उदाहरण देखने को मिले। लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को ने क्या किया, मार्च 1998 में चुनाव में किसी भी दल का दलीय गठबंधन बहुमत नहीं मिलने के कारण भाजपा यानी बीजेपी जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों में कुल 251 सीटें मिली जो बहुमत से कितनी कम थी, 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई और अपने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी यानी उस समय प्रमुख नेता थे भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे यानी अटल बिहारी वाजपेयी अपने दावों के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया राष्ट्रपति के द्वारा यानी अटल बिहारी वाजपेयी से, और इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के लिए मात्र 10 दिन के भीतर विश्वास प्राप्त करने के लिए कहा और बहुत ही कम समय के लिए उन्हें सरकार आई, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री और विश्वास पत्र पारित नहीं कर पाए। वही 4 सदस्यीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक इस परिस्थितियों में एक अपना अनुमति देने की जो प्रक्रिया है उस पर आधारित होती है। जब सरकार स्थायी में हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी राष्ट्रपति का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, राष्ट्रपति अपना डिसीजन लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो एक उपराष्ट्रपति का भी पद होता है, यानी इसकी गैर मौजूदगी में यानी इसके विदेश गमन पर यानी लंबे समय में विमान बनाने पर या इसके हुकूम को नहीं जाने पर कार्यवाहक के तौर पर उपराष्ट्रपति यानी एक तरह से कार्य करता है, और जो भारतीय भारतीय होना जो सत्य राष्ट्रपति के लिए रखी गई है एक भारतीय होना चाहिए, वही 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो भी सत्य जैसे राष्ट्रपति के लिए है ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए। अगर पद से हटाना है महाभियोग प्रणाली के द्वारा तो इसमें संसद के सदस्य ही हटाना है, संसद के सदस्य इसमें संसद और राज्यों की विधानसभा राज्यों की विधानसभा की यानी इसको पद से हटा सकते हैं महाभियोग प्रणाली के द्वारा। महाभियोग प्रणाली तो इसमें बस संसद ऐसा नहीं है, संसद के लोग कहते हैं राष्ट्रपति है
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत में एक आश्रित के तौर पर प्रस्ताव पारित करना होता है, दो तिहाई, और इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रवीण अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या त्याग पत्र देने पर या महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाए जाने पर अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, यानी राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यभार राष्ट्रपति बना रहता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद जो एक मुस्लिम थे, उनके द्वारा राष्ट्रपति की जब इनकी फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद बीडी जनता, क्या नाम था, बीडी जनता, इनके कार्यभार के तौर पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, जो व्यक्ति होते हैं नीलम सुजीत रेड्डी, क्या नाम था,